प्रोसेस ऑफ रीडिंग इन अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन डे स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन में रीडिंग प्रोसेस पर uh, बात करनी है द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इन अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन इज़ टू डिवेल्प रीडिंग स्किल्स देखिए रीडिंग आपको रीडिंग करने से ही आएगी और एंड स्किल्स प्रोमोशन ऑफ लव फॉर द रीडिंग इन यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों में जो रीडिंग स्किल्स परवान चढ़ाने के लिए उनमें फ़रोग देने के लिए बाकायदा एक आप स्ट्रेटजी तय करें उनको छोटी चोट छोटी बुक्स पढ़ने के लिए दें आ, उनको फिर उनसे उनके बारे में सवाल किए जाएँ सो इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ दैट हेल्प चिल्ड्रन टू बिकम प्रोफिशेंट रीडर तो माहिर रीडर के तौर पर वो सही दुरुस्त लफ्ज के साथ पढ़ने वाला उनको बनाना और डेवलप डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज रीडिंग से मुराद यह है कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग होता है रीडिंग सिर्फ स्पीकिंग नहीं होती बल्कि कॉन्सेप्ट्स को उस जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करके पढ़ना होता है तो ये जो रीडिंग का है ये हर लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये थर्ड कंपोनेंट है जो आप बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं रीडिंग स्किल्स के हवाले से आपके सामने ये एक रीडिंग डेवलपमेंट के लिए ये पिक्चर नजर आ रही है इसमें आप देखें द अर्ली इमरजेंट लेवल ए एंड बी द स्टूडेंट विल बी एबल टू सर्च द प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट द टेक्स्ट रीड टू एंड डिस्कस अंडरस्टूड द स्टोरी यानी किसने स्टोरी कैसे अंडरस्टैंड कर ली यूज अ पिक्चर टू प्रॉब्लम सॉल्व अन नोन वर्ड्स तो अन नोन वर्ड्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना और फिर लोकेल एंड टॉक अबाउट द टाइटल रोड वर्ड अदर वर्ड इन सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट और फॉलो रिटर्न स्वीप यानी ये डिफरेंट स्ट्रेटीज हैं जो इसमें अर्ली जो इब्तदाई जो रीडिंग की हैबिट्स डिवेल्प करने में नेक्स्ट आप देखें इमरजेंट लेवल्स सी एंड डी में द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ये देखें बिहेवियरल ऑब्जेक्टिवस हैं रीडिंग करने के बाद उनमें ये तब्दीली आएगी सो डिमॉन्सट्रेट यूज ऑफ स्ट्रेटजीज फ्राम द प्रीवियस लेवल यानी उन जो प्रीवियस लेवल पे जो स्ट्रेटजीज़ थी उनसे मुख्तलि आप यूज़ करेंगे और मोनीटर देयर रीडिंग पर वट मेक सेंस साउंड राइट एंड लुक्स राइट तो जो मतलब आप ऐसी स्ट्रेटजीज जो देखें जो उनसे सेंस कोई पैदा हो सके वो साउंड्स को सही तरीके से पहचान सकें और उनको उनसे सही अंदाज में अपने वर्ड्स बना सकें और यूज़ पिक्चर्स टू प्रडिक्ट एंड कंफर्म रीडिंग तो इस तरह की ये आगे स्ट्रेटजीज हैं फिर नेक्स्ट अर्ली लेवल्स ई एफ पे द स्टूडेंट्स विल बी एबल डिमॉन्सट्रेट यूज ऑफ स्ट्रेटजीज फ्राम प्रीवियस लेवल्स तो इसमें प्रीवियस लेवल से मुख्तफ स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है यूज़ द टेक्स्ट एज़ वेल एज द पिक्चर्स टू रिकॉल एंड प्रिडिक्ट स्टोरी तो पिक्चर्स और का इस्तेमाल करना स्टोरी के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए या रिकॉल करने के लिए मॉनिटर द द रीडिंग फॉर वट मेक्स सेंस यानी ऐसी रीडिंग जिससे कुछ सेंस हो रही हो कुछ सेंस कन्वे हो रही हो उसके बारे में जानना और कन्फर्म बाई चेकिंग द पिक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग तो पिक्चर्स को चेक करना और रोड ऑन एज वेल एज रिकॉर्डिंग टू मेनटेन मीनिंग तो ये स्ट्रेटजीज हैं इस पर एफ ई और एफ लेवल पे फिर है ट्रांजिशनल लेवल जी एच तो ट्रांजिशनल लेवल है जो चेंज है शिफ्ट है उसकी बात है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिमॉन्सट्रेट स्ट्रेटजीज फ्राम द प्रिवियस लेवल तो उनसे मजीद एडवांस लेवल की स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड द टेक्स्ट कंफर्म प्रिडिक्शंस एंड क्लैरिफाई द मीनिंग्स और इस तरह आगे इंटीग्रेट मीनिंग्स स्ट्रक्चर्स एंड विजुअल इंफॉर्मेशन यानी जो मीनिंग्स को स्ट्रक्चर्स के साथ सेंटेंसेस के साथ वो इंटीग्रेट कर सकें और यूज मीनिंग स्ट्रक्चर्स एंड विजुअल इंफॉर्मेशन फ्लेक्सिबली एंड कॉन्स्टेंटली तो वो फ्लैक्सीबली और मुस्तकिल तौर पर वो उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकें फिक्रों को और पिक्चर्स को और विजुअल्स को जो चीज़ें तो ये थी एक किस तरह आप प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं बच्चों में रीडिंग डेवलप करने के लिए इस सिलसिले में कुछ और चीज़ें हैंशली लिटरेसी स्किल्स दैट विल सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ देयर फ्यूचर लर्निंग तो ये जो रीडिंग है ये बच्चों के फ्यूचर लर्निंग के हवाले से एक फाउंडेशन के तौर पर भी काम करती है द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इन अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन टाइपिकली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग की कंपोनेंट्स तो बाद में आने वाले यानी मौजूदा जो आप देखेंगे हम देखते हैं इस कंपोनेंट्स जिनको हम चिल्ड्रन बच्चों में अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन में रीडिंग डिवेलप करने के लिए नंबर uh, वन है इसमें फोनेमिक अवेयरनेस तो साउंडस की अवेयरनेस दिस रेफर्स टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनुपलेट दर इंडिविजुअल साउंड इन वर्ड्स तो ये वो सलाहियत है जो बच्चों में इनफरादी आवाज़ों को अल्फाज की सूरत में बदलने के लिए है और इट इन्वाल्वस डिवेलपिंग स्किल्स सचैज़ रॉइमिंग बच्चों में रिदम uh, के साथ पढ़ना सेगमेंटिंग उनको अलग करना एंड uh, ब्लेंडिंग साउंड uh, साउंड्स को मिलाकर पढ़ना विच आर असेंशियल फॉर लर्निंग टू रीड तो ये ज़रूरी हैं उनको रीडिंग uh, सीखने के लिए नेक्स्ट इसमें है वैकबलरी डेवलपमेंट तो दिस इन्वॉल्व इन इंट्रोडक्शन ऑफ़ री इन्फोर्समेंट ऑफ न्यू वर्ड्स इसमें नए अल्फाज को का तारफ़ कराना उनके लिए आप री इन्फोर्समेंट उनको फ्राहम करना और उनको इस तरह विच हेल्प चिल्ड्रन टू बिल्ड देयर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स ये बच्चों में वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग के स्किल्स पैदा करती हैं एंड एक्सपेंड देयर नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और उनमें uh, दुनिया के uh, जो के बारे में जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज है वो उनमें डेवलप करते हैं फिर नेक्स्ट है फ्लुएंसी रीडिंग में फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट uh, है और ये बार बार की प्रैक्टिस से हासिल होता है तो एबिलिटी टू रीड विद स्पीड एक्यूरेसी एंड एक्सप्रेशन तो एक्यूरेसी और एक्सप्रेशन के साथ पढ़ना और इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग स्किल्स सच एज साइट रेकग्निशन डी कोडिंग एंड ऑटोमेटिसिटी विच हेल्प चिल्ड्रन टू रीड विद ईज एंड कॉन्फिडेंस तो ये अगर हम स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं तो वो स्पीड के साथ और एथेंटिसिटी के साथ फ्लुएंसी uh, के साथ वो पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन नेक्स्ट स्ट्रेटजी है कॉम्प्रीहेंशन चूँकि रीडिंग में कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़रूरी है दिस रेफर टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मेक मीनिंग फ्राम वट इज़ रीड तो जो कुछ पढ़ा जाए उससे वो मीनिंग अखज़ करना या उससे मेरे बनाना इट इन्वॉल्व डिवेल्पिंग स्किल्स सच ऐस क्या है प्रडिक्टिंग पेश गोई करना समराइजिंग समराइज करना एंड मेकिंग कनेक्शन और उनमें अल्फाज में फिक्रों में ताल्लुक जोड़ना विच हेल्प चिल्ड्रन टू एंगेज विद टेक्स एंड डिवेल्प क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स तो बच्चों को टेक्स्ट के साथ बिजी करना और क्रिटिकल थिंकिंग उनमें पैदा करना तो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लेवल पर प्रैक्टिस के साथ करनी जरूरी है इस सिलसिले में कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम यूज़ करके टेक्निक्स एंड स्पोर्ट प्रोसेस ऑफ रीडिंग इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन शेयर्ड रीडिंग तो सबसे पहली है दिस इन्वॉल्व रीडिंग बुक्स टूगेदर एज अ ग्रुप विद द टीचर मॉडलिंग रीडिंग बिहेवियर एंड फैसिलिटेटिंग डिस्कशंस अबाउट द टेक्स तो ये ग्रुप की शक्ल में बच्चों को दी जाती है और वो मिलकर ग्रुप्स की शक्ल में पढ़ते हैं और टीचर जो है मॉडल का रोल अदा करता है यानी उनको मॉडल रीडिंग देता है पहले और उनमें बिहेवियर डेवलप करता है और फैसिलिटेट करता है उनको डिस्कशंस के हवाले से और इस तरह फिर गाइडेड रीडिंग फिर बच्चों से कहा जाता है कि वह आप पढ़ें दिस इन्वॉल्व वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स टू रीड एंड डिस्कस टेक्स्ट एट द अप्रोप्रिएट लेवल फॉर ईच चाइल्ड रीडिंग एबिलिटी हर बच्चे को बारी बारी ये टास्क दिया जाता है कि वो पढ़े और टीचर उसको गाइड करे तो ये गाइडेड रीडिंग की प्रैक्टिस है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है इंडिपेंडेंट रीडिंग और जब टीचर ये समझे कि बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि वो खुद पढ़ सकते हैं तो फिर उनसे कहा जाए कि वो इंडिपेंडेंटली रीड करें तो दिस इन्वाल्व अलाउंग चिल्ड्रन टू रीड ऑन देअर ओन वह अपने आप पढ़ें विद द टीचर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस तो टीचर की सपोर्ट और गाइडेंस के साथ और लिटरेसी रिच एनवायरनमेंट क्लास में लिटरेसी रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ये भी टीचर की ज़िम्मेदारी है क्रिएटिंग अ क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट इज़ रिच इन प्रिंट विद बुक्स तो क्लासरूम जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है क्लास रूम में लाइब्रेरी होनी चाहिए और छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर कलरफुल बुक्स और वो स्टोरी बुक्स हों जिनको वो पढ़ें और उसमें बच्चे क्या करें लेबल्स करें अदर प्रिंट मटेरियल्स जो रेडीली अवेलेबल हो उनको और एक्सेसिबल चिल फार चिल्ड्रन बच्चों के लिए एक्सेसिबल हो तो इस तरह आप लिटरेसी रिच एनवायरनमेंट जिसमें बच्चों को रीडिंग स्किल्स और लिटरेसी स्किल्स के बेहतरीन मौाक़े फ्राहम हों